हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई एम श्रीकांत। टुडे आई एम बैक विद द लास्ट पोएम ऑफ क्लास 12th, दैट इज आंट जेनिफर्स टाइगर्स। सो द पोएट इज एड्रीना रिच ऑफ दिस पोएम एंड सी इज अ फेमिनिस्ट पोएम। सी इज अ फेमिनिस्ट पोएट। व्हाट इज फेमिनिस्ट? फर्स्टली आई हैव टू डिफाइन। Feminism is a theory that works for the upliftment, for the betterment of the women in the society. That theory is called feminism theory. And the poet who wrote, who worked, who did something for the betterment of the for the women in the society, those are called the feminist poet or feminist writer. So in this poem, Adrina Rich is also mentioned about the women's condition in our society. Now it has changed something, but what was the earlier, it is mentioned in this one. Adrina Rich is a feminist poet. We had studied in class 10th a poem, Tree. The tree is a poem that is also composed by Adrina Rich. In that poem we have seen that she gave the example of tree, and those trees are inside the house, and those trees want to go out of the house and they want to be live in the forest. They want to be spread, they want to be give something to the forest. But these trees are not trees. These trees are the desire of the women, that they do not want to be inside the house. They want to be free, they want to go out, they want to live in this society, and they want to contribute their work, their part for the betterment of the society. This is mentioned in that poem. So in this poem also we have seen that the title is the Aunt Jennifer's Tiger. There is a lady that is Jennifer, and aunt is referred also for the Jennifer. Aunt Jennifer's Tiger, आंट जेनिफर के टाइगर। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आंट जेनिफर जो है वो स्क्रीन पर कुछ बना रही हैं। देयर इज़ नॉट मेंशन दैट इज सी इज ड्राइंग, कि वो ड्राइंग कर रही हैं या कर्टन पे कढ़ाई एम्ब्रॉयडरिंग कर रही हैं, क्या कर रही हैं, बट सी इज मेकिंग समथिंग दैट इज इन द स्क्रीन। वी सी दैट देयर आर टाइगर्स, एंड दैट टाइगर्स आर वेरी ब्रेव, दे आर फियरलेस। वे बहुत बहादुर हैं, निडर हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं। ऐसे हैं उनके टाइगर। एंड दीज टाइगर्स आर नॉट द टाइगर, दीज आर द फीलिंग, दीज आर द थाट, दीज आर द डिज़ायर ऑफ द वीमेन ऑफ दैट टाइम सोसाइटी। उस सोसाइटी के, उस समय के सोसाइटी के जो औरतें हैं, उन औरतों की क्या इच्छाएं हैं, वो टाइगर नहीं है, उनकी इच्छाओं को पेंट किया गया है किसके माध्यम से, एंड जेनिफर के माध्यम से। What Aunt Jennifer describes, we are going to study. Aunt Jennifer's tiger prance across a screen, bright topaz denizens of the world of green. They do not fear the men beneath the tree. They pace in sleek chivalric certainty. Now let us see that Aunt Jennifer's tiger prance across a screen. जो स्क्रीन है उस स्क्रीन के आस पार आर पार उछलते हुए दिखाई दे रहे हैं कौन? ये टाइगर। किसके द्वारा बनाए गए? एंड जेनिफर के द्वारा जो टाइगर बनाए गए हैं, वो द टाइगर्स वो आर मेड बाय द एंड जेनिफर। दे आर प्रेंसिंग, दे आर जंपिंग फ्रॉम वन साइड टू अनदर इन द स्क्रीन। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, ब्राइट चमकदार, टोपाज इज अ टाइप ऑफ मेटल। ब्राइट टोपाज डेनिजेंस, डेनिजेंस मीन्स निवासी, रहने वाले, ड्वेलर ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। ये हरे भरे संसार के टोपाज की तरह से चमकने वाले धातु की तरह से उस जंगल, हरे भरे जंगल के निवासी हैं, और जो उस पर इस पार से उस पार क्या कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं। और दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, उस पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमियों से नहीं डर रहे हैं। जंगल में कुछ आदमी बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, बट दे आर नॉट फियरिंग। ये जो जानवर हैं, ये जो चाची के द्वारा, एंट जेनिफर के द्वारा जो बनाए गए टाइगर हैं, दे आर नॉट फियरिंग टू द मैन। एस्पेशली हियर इज मैंसन्ड मैन, मैन इज नॉट फॉर द कॉमन मैन, मैन इज द
men is referred here for the society's men who are dominating, who are exploiting to the women. उस समय वह जो औरतों का शोषण कर रहे हैं, औरतों को अपने अधीन समझते हैं, एक मजदूर की तरह से समझते हैं, उनका शोषण करने वाले लोग हैं, उन पर अपना आधिपत्य जमाने वाले लोग हैं, उनके लिए बताया जा रहा है कि ये जो शेर हैं ऐसे आदमियों से नहीं डरते। उस सोसाइटी के, उस समाज के, उस तात्कालीन समय के समाज के और पुरुषों से नहीं डर रहे हैं। कौन? ये दीज टाइगर्स आर नॉट फेयरिंग टू द मैन। Already I have told you that these tigers are not tiger, these are the desire of the aunt. So aunt Jennifer also do not want to fear. नहीं चाहती कि वह डरे, किससे? वह भी नहीं डरना चाहती है, किससे? She do not want to be fear with whom? With any man. To any man. They do not fear to the man. वो आदमी से नहीं डरते हैं, उन आदमियों से नहीं डरते हैं। दिस शोज व्हाट? दिस शोज दैट दिस फीलिंग आंट आल्सो वांट्स दैट शी डू नॉट वांट शी डज नॉट वांट टू फियर टू द अंकल। द पेस इन स्लीक सिविलरी सर्टेनिटी, और वे पूरे गति में, पूरे बहादुरी के साथ निश्चित तौर पर इधर से उधर दौड़ रहे हैं। सो नाउ वी कैन से दैट इन द फर्स्ट इंस्टेंस आई डिस्क्राइब दैट that aunt Jennifer has made tigers on the screen. Those are living in the forest, of the green forest, and they do not fear to the men who are sitting beneath the tree, and they are very brave, they are very bold. And aunt Jennifer bhi usi tarah se bold hona chahti hai, bahadur hona chahti hai, ki taki woh kisi se bhi na dare. Aur उन पर्टिकुलरली यहाँ पर मेन से मतलब है कि उन व्यक्तियों से, उन पुरुष से ना डरे। उस समाज में जो पुरुष प्रधान समाज हो, जहाँ की औरतें पुरुषों से डरती हों, वो उनसे ना डरे, ऐसी है। आंट जेनिफर फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर उल। आंट जेनिफर इज नाइटिंग समथिंग, आंट जेनिफर कुछ बुन रही हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं, अगर उनका गोला हो, उनका गोला हो, और उस उनके गोले में वो सलाई जिससे बुनी जाती है, अगर उसे रखा जाए तो कितना उसमें जोर लगेगा उससे खींचने में। आई थिंक देयर इज, बट दैट इज़ वेरी शार्ट थिंग, यू कैन पुल वेरी इजली। बट यू सी दैट एंड जेनिफर्स फिंगर्स फ्लैटरिंग थ्रू हर उल, उस ऊन से वह सलाई खींचते हुए, दैट नीडल, उस नीडल को खींचते हुए उनके हाथ कांप रहे हैं। ये हाथ क्यों कांप रहे हैं? हाथ इसलिए नहीं कांप रहे हैं कि उन्हें ठंडक लग रही है। हाथ इसलिए नहीं कांप रहे हैं क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी हैं। फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल, उन्हें खींचने में बहुत कठिनाई हो रही है, और इसलिए क्योंकि द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, जो मैसिव वेट है, जो बहुत वजन का उनके वेडिंग बैंड है, उनका बंधन है, वह बंधन जिस बंधन से आंटी को बांध रखा है, जिस शादी के बंधन से, वह बंधन उनके हाथों पर सेट्स हैवली अपॉन एंड जेनिफर्स हैंड। वह बहुत वजन साबित हो रहा है, और इतना वजन हो रहा है कि जिसका भार नहीं सह पा रहे, उस शादी के भार को, उस वेडिंग बैंड के भार को वह नहीं सहन कर पा रहे हैं, जिससे उनका हाथ हिल रहा है, जिससे हाथ कांप रहा है, और उनके गोले से निडल खींचना उनके लिए बहुत कठिन हो गया है। सो वी वांट टू सी दैट द पोएट एडनर इज वांट टू एक्सप्रेस दैट हियर, दैट द वीमेन फियर टू देयर हस्बैंड, दैट दे आर अनेबल टू डू एनीथिंग, दे आर वेरी फियरफुल, एंड हियर दैट इज नॉट इजी टू pull the ivory needle from the wool. Why? Because there is the wedding band, and that the weight of that wedding band is so heavy that her hands are fluttering. So now we are going to the last stanza of this poem, and this is when aunt is dead. Jab chachi mar jayengi, her terrified hands will lie still ringed with
ऑडियल सी वॉज मास्टर्ड बाई। उनके मर जाने के बाद भी मास्टर्ड, यहाँ पर मास्टर और सर्वेंट, यानी हियर इज मेंशन लाइक द मास्टर एंड सर्वेंट, मालिक और गुलाम की तरह से यहाँ पे मेंशन किया गया। व्हेन आंट इज डेड, जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड विल लाई स्टिल रिंग्ड, और उनके डरते हुए कांपते हुए हाथ में अभी भी वह अंगूठी रहेगी। कौन सी अंगूठी? वह उनके बेडिंग की अंगूठी, वो रिंग, दैट रिंग। हियर रिंग इज द पन, पन फिगर ऑफ स्पीच। पन एक श्लेष अलंकार होता है जिसमें एक शब्द होता है और कई मीनिंग होता है। रिंग्ड मीन्स अंगूठी भी होगा और रिंग्ड मीन्स घिरा हुआ भी। तो वह जिससे घिरी हुई, उस ऑर्डेल से, उस बंधन से, और जिसकी वह मास्टर्ड बाय, जिसके द्वारा उन्हें, जिस गुलामी में वह फंसी हुई है, उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। एज वी मैंशन हियर, एज वी सी दैट दैट हियर आवर मैरिज इज द बॉन्ड ऑफ द सेवन लाइफ, सात जन्मों का बंधन हो जाता है और यह छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इस प्रकार से आंट जब मर जाएंगी, उनके हाथ में चाचा के द्वारा दी गई वह शादी की अंगूठी, वह जिससे वह घिरी हुई है, उससे वह आज़ाद नहीं हो पाएंगे, क्योंकि शादी तो सात सात जन्मों का बंधन होता है और यह जन्मों जन्मों तक वह उनसे डरती रहेंगी और वह उससे आज़ाद नहीं हो पाएंगी। बट द टाइगर्स इन द पैनल इन द सी मेड, लेकिन वह टाइगर जो इनके द्वारा बनाए गए हैं, वो पैनल में जो बनाए गए हैं, विल गो ऑन प्रेंसिंग प्राउड एंड अफ्रेड, और वह बिना डरे हुए उछलेंगे, गर्व महसूस करेंगे और उछलते रहेंगे। वो किसी पर्सन से, वो किसी मैन से डरने वाले नहीं है। सो आंट विल डाइट, आंट मर जाएंगी, बट सी विल नॉट बी फ्री फ्रॉम द रिंग्ड ऑर्डेल्स, उन बंधन से नहीं आजाद हो पाएंगी। बट हर डिजायर इज दैट सी वॉन्ट टू बी फ्री लाइक द टाइगर्स, एंड सी वॉन्ट टू बी फील प्राउड एंड अनअफ्रेड टू द पर्सन, टू द पीपल, बट दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हर। सी विल डाई बट हर फियर विल नॉट गो फ्रॉम हर। दिस इज मैंशन इन द पोएम। सो दिस पोएम एड्रिनर इज मैंशन अबाउट एंट जेनिफर, दैट सी इज मेकिंग अ ड्राइंग, यू कैन से दैट आर अ कर्टन, एंड दैट स्क्रीन देयर इज अ टाइगर्स, एंड दैट टाइगर्स आर द सिम्बल symbol of the chivalry and bravery and desire of the women, that she want to be free, she want to roam freely, she do not want to fear afraid to the person, as the tigers do not fear from the men who are sitting beneath the tree. And after that it is mentioned that uncle's wedding band that is so heavy that because of that fear her hand is fluttering, and at last she will not be free from those ordeals that is mastered by uncle. So this is the very good poem, a best poem of class 12, and in this year, last year, you can say that in 1920 this stanza was asked for 4 questions, and it was also asked which figure of speech used in this stanza. So there is metaphor and personification and pun I told. So there are three figure of speech used in this one. I will send the question answer of this poem. Okay, thank you.